हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरंदश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, जब वो हरिदास ठाकुर से विरह अनुभव करते हैं, वो कहते हैं रत्न शून्य हैले मेदिनी, कि हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त हैं वो असली इस जगत की संपदा है या इस जगत के असली रत्न हैं। तो श्रील गुरुदेव भी एक महान रत्न है श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में, और गुरु महाराज से कई चीज़ें हैं जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। उनमें से एक है कि गुरु महाराज सदैव श्रील प्रभुपाद को आगे रखते थे। जैसे प्रभुपाद ने इस आंदोलन की स्थापना की, सदैव कृष्ण को आगे रखा, अपने आध्यात्मिक गुरु को आगे रखा, उसी प्रकार से श्रील गुरुदेव सदैव श्रील प्रभुपाद को आगे रखते थे। तो एक बार मेरी शुरुआत से सेवा थी कि महाराज के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें और उनकी टेप मिनिस्ट्री का देखभाल करें। तो एक बार मैंने महाराज को कहा एक साल पहले कि महाराज मैं आपकी ये सेवा ठीक से नहीं कर पाया कई सालों से। तो महाराज ने कहा कोई चिंता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सभी भक्त प्रभुपाद जी के जो प्रवचन हैं वो 99% सुने और मेरे जो लेक्चर से वो 1% सुने। तो ये सुनकर मैं अवाक हो गया कि किस प्रकार से महाराज सदैव सबको श्रील प्रभुपाद के चरणों में नियुक्त कराते हैं। तो एक बार एक ऐसा भक्त था मंदिर में, सभी भक्त उसके अगेंस्ट हो गए और टेंपल प्रेसिडेंट आदि सब ने कहा नहीं, इस भक्त को मंदिर से निकाल दो दिल्ली टेंपल में। तो फिर महाराज ने मुझे बुलाया और पूछा कि सर्वसाक्षी बताओ, ये जो भक्त हैं सभी इनको मंदिर से बाहर करना चाहते हैं, इसका एक अच्छा गुण बताओ। मैंने कहा महाराज ये ऐसा भक्त है ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रेगुलरली श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ता है विदाउट फेल। महाराज ने कहा इसको मंदिर से बाहर नहीं करना है, इसको मंदिर में ही रखना है। तो ऐसे श्रील गुरुदेव सदैव एंकरेज करते थे प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, और महाराज सदैव चाहते थे कि हर एक भक्त को जो श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा है उसमें भाग लेना चाहिए। तो दिल्ली के एक प्रमुख अधिकारी भक्त थे, जनरल मैनेजर थे या मेन भक्त थे, तो वह हमेशा गुरु पूजा में नहीं होते थे। तो एक बार मैं महाराज के रूम में था, महाराज ने उनको बुलाया और कहा कि तुम कभी भी गुरु पूजा में नहीं आते हो, प्रभुपाद की गुरु पूजा में सदैव तुम्हें होना चाहिए, आध्यात्मिक उत्थान तुम्हारा कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, महाराज मेरे पास बहुत सारी सेवाएं होती हैं, रात 12-1 बजे तक मैं सेवाएं करता हूँ मैनेजमेंट की, ये वो। तो महाराज ने कहा कल से तुम कोई भी सेवा नहीं करोगे, सारी सेवाएं मैं करूँगा, तुम्हें कल से प्रभुपाद के गुरु पूजा में हमें होना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि प्रभुपाद के समय भी प्रभुपाद जी के एक ऐसे शिष्य थे, प्रभुपाद जी उनको देखकर कहा कि अरे तुम गुरु पूजा में नहीं होते हो। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद मेरे पास शालिग्राम शिला है जिनकी मुझे पूजा करनी होती है। प्रभुपाद ने कहा शालिग्राम प्रसन्न नहीं होंगे यदि तुम आध्यात्मिक गुरु की आराधना का जो समय है सुबह गुरु पूजा उसमें तुम भाग नहीं लेते हो। इस प्रकार से श्रील गुरु महाराज सदैव श्रील प्रभुपाद को आगे रखते थे। महाराज की आज्ञा का पालन करने से सर्व सिद्धि है महाराज, क्योंकि 98 में टेंपल ओपन हुआ तो बहुत सारे ब्रह्मचारी नहीं थे और मुझे न्यू भक्ता प्रोग्राम दिया था, न्यू भक्तों को सिखाना या जो भी सेवा थी और भक्त बनाना नए भक्त। तो मैंने कहा महाराज नए भक्त बनना बहुत मुश्किल है, यूथ से भी कोई ब्रह्मचारी नहीं बन रहा है। महाराज ने कहा तुम क्या करो, गरुड़ जी हैं दिल्ली टेंपल में, उसके पास एक टेबल लगाओ और जो भी लड़के आ जाए ना उनको पकड़ो और उनको पहले दिन फुल टाइम बना दो। मैंने कहा ये तो असंभव चीज है, कौन भक्त बनेगा। तो लेकिन जैसे ये शुरू किया खड़ा होना पूरे दिन, तो एक लड़का मिला जिसको थोड़ा सा प्रचार किया और उसी क्षण तैयार हो गया कि मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। उनका नाम आशीष अरोड़ा था, तो मैंने उनको उसी दिन ले गया, हेड शो किया, जप करना सिखाया, पीले कपड़े पहनाए और आगे चलकर वो अमोघ लीला प्रभु बने। तो मतलब महाराज का आज्ञा का पालन करने से सर्व सिद्धि है, मतलब अचम ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक ही चीज है कि महाराज की जो वाणी है उसको हम समझे और उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। और महाराज का दर्शन से तो शक्ति हमें मिलती है, लेकिन महाराज की आज्ञा का पालन करने से भी आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और महाराज की चरण सेवा करने से भी। शुरुआत के दिनों में हम बहुत मंगल आरती कभी जाते थे नहीं जाते थे, लेट प्रोग्राम्स हो गए,
तो 12-1 बजे वापस आ गए तो मंगल आरती उठने की शक्ति नहीं होती थी। लेकिन जब भी महाराज के चरणों की मसाज सेवा करने के लिए जाते थे 2-1.5 बज जाते थे वापस आने के लिए, और सुबह ऐसे लगता था 4 बजे की ये शक्ति कहाँ से आ रही है, कभी भी ऐसे फील नहीं होता था कि अभी सोना है। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करने का जो सामर्थ्य या शक्ति है वो बल प्राप्त होता था, और अनुभव किए कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। तो महाराज की चरणों की सेवा में जो भी नियुक्त हुआ है या उनकी वाणी की सेवा में, वो निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जो बल है वो प्राप्त करता है। तो गुरु महाराज का आज आविर्भाव दिन है, महाराज से यही कामना करते हैं कि उनके चरणों की सेवा में सदैव लगे रहें। और महाराज जब भी मुझे विशेष रूप से मिलते अनुग्रह करते थे तो कहा करते थे प्रिंट न्यू टाइटल्स, कई बार उन्होंने कहा तो महाराज की कृपा से कई जो ग्रंथ है उनके वाणी से हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया। और महाराज से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं वो अपनी कृपा बनाए रखे और सामर्थ्य दे ताकि ये जो आंदोलन है श्रील प्रभुपाद की सेवा हम करते रहें। हरे कृष्णा।